कुछ ज्यादा ख्वाही से नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं MCQ ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस GST, इम्पोर्टेंट MCQ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS, KVS, NVS, NCT कंडक्टेड बाई UPSC। मतलब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भर्ती के लिए GST पर महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला फर्स्ट। तो शुरू करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज विल बी लेवीड ऑन इम्पोर्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कर आयात पर लगाया जाएगा। अवर ऑप्शंस आर ए CGST, बी SGST, सी IGST, डी नन ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द आंसर? यस, सी इज द करेक्ट आंसर, IGST लेवीड ऑन इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल अंडर GST, मींस निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आपूर्ति के दायरे से बाहर है और GST के तहत कर योग्य नहीं है। अवर ऑप्शंस आर ए सर्विसेज बाई एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू दिस एम्प्लॉयमेंट, बी सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, सी एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। GST इन सभी पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डैश, मतलब अचल संपत्ति का किराया डैश है। ऑप्शन ए सप्लाई ऑफ गुड्स, बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सी नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नोर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डी आइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब अचल संपत्ति है वो गुड्स में शामिल है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में है। तो हमारा सही उत्तर है बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अचल संपत्ति का किराया है वो सेवा कर में आता है। अगला प्रश्न 4, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 अंडर 119 शैल बी ट्रीटेड एज, मींस धारा 2 119 में परिभाषित कार्य अनुबंध को माना जाएगा। ऑप्शंस आर ए सप्लाई ऑफ गुड्स, बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सी नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नोर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डी इधर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देन व्हाट विल बी द आंसर? बी इज करेक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 5, गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग डैश इन वैल्यू ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को वित्तीय वर्ष में रिक्त स्थान से अधिक मूल्य के उपहार को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ऑप्शन है ए 50,000, बी 1,00,000, सी 2,00,000, डी 2,50,000। तो सही उत्तर है इसका 50,000। 50,000 तक के जो गिफ्ट होते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को अगर दिया जाता है तो। अगला क्वेश्चन है 6, द डैश शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन, मतलब डैश को बिना प्रतिफल के आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। किसको माना जाएगा इसमें से? ऑप्शन ए सप्लाई ऑफ गुड्स बाई ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल,
बी सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल सी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेटेड ऑन सच असेट्स डी ऑल ऑफ द अबोव। तो सही उत्तर है इसका डी All of the above, सभी इसमें शामिल होंगे, treated as supply even if made without consideration. Next question, seventh, which of the following is dash the supply in which possessions of the goods are transferred, but the title on the same will be transferred at the future date? Means निम्नलिखित में से कौन सा है dash आपूर्ति जिसमें माल का कब्जा हस्तांतरित किया जाता है लेकिन उसी पर शीर्षक भविष्य की तारीख में स्थानांतरित किया जाएगा। ऑप्शन है ए रेंट ए कार, बी हायर परचेज, सी नॉर्मल सेल्स ऑफ गुड्स, डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज बी हायर परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, व्हाट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मतलब समग्र आपूर्ति के मामले में लागू कर की दर क्या होगी। हमारे ऑप्शन है ए टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई, बी टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन एंसिलरी सप्लाई, सी टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन रिस्पेक्टिव सप्लाई, डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन, इन इंडिया द जीएसटी इज ए डुअल मोड ऑफ, भारत में जीएसटी किसका दोहरा मॉडल है, जो इंडिया में डुअल मॉडल लागू किया वो कहाँ से लिया गया है। हमारे ऑप्शन है ए यूके, बी कनाडा, सी यूएसए, डी जापान। तो सही उत्तर है इसका बी कनाडा। कनाडा का मॉडल है वो भारत में जीएसटी के रूप में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए टेन, What is the threshold limit of turnover in the preceding financial year for opting to pay tax under composition scheme for states other than special category states? यानी विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए composition scheme के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर की प्रारंभिक सीमा क्या है। ऑप्शन है ए ₹20 लाख, बी ₹10 लाख, सी ₹50 लाख, डी ₹1 लाख, डी ₹1.5 करोड़। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 11, कैन कंपोजिशन स्कीम बी अवेल्ड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इफेक्ट्स इंटर स्टेट सप्लाईज, यदि पंजीकृत व्यक्ति अंतरराज्य आपूर्ति को प्रभावित करता है तो क्या कंपोजिशन योजना का लाभ उठाया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है ए यस, बी नो, सी यस सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, डी यस सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या उत्तर है इसका, सही है बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, Which of the following will be excluded from the composition of aggregate turnover? यानी निम्नलिखित में से किसे कुल कारोबार की गणना से बाहर रखा जाएगा। ऑप्शन है ए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, बी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, डी वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यहाँ पर ये रिवर्स चार्ज बेसिस है। तो सही उत्तर है इसका डी वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है। ऑप्शन है ए person making any supply of goods which are not leviable to tax under this act, b person making any interstate outward supplies of goods, c person effecting supply of goods through an e-commerce operator liable to collect tax at source, d none of the above। तो सही उत्तर है इसका d none of the above, किसी में से भी नहीं होगा, ये कंपोजिशन स्कीम है वो नहीं शामिल होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सर्विसेज टू ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट इज एग्जेम्प्टेड इफ, अर्थ है एकल आवासीय इकाई की सेवाओं को छूट दी जाती है यदि, ऑप्शन आर ए इट इज प्योर लेबर सर्विस ओनली, बी इट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली, सी इट इज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ओनली, डी इट इज ऑन ग्राउंड फ्लोर विदाउट फर्दर सुपर स्ट्रक्चर। तो क्या है आवासीय इकाई की सेवाओं को छूट दी जाएगी, किसको, ऑप्शन सही कौन सा है, ए सही है इट इज प्योर लेबर सर्विस ओनली, जो आवासीय इकाई है प्योरली लेबर सर्विसेज के लिए बनाई हुई है तो वो टैक्स से छूट होगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 15, सर्विसेज बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एग्जेम्प्टेड इफ द सर्विसेज आर टू, शैक्षणिक संस्थान द्वारा सेवाओं को छूट दी जाती है यदि सेवाएं निम्नलिखित हैं, ए एनी कॉमन मैन, बी इट्स ओन स्टूडेंट्स फैकल्टी ऑब्लिक स्टाफ, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर क्या है, शैक्षणिक संस्थान द्वारा सेवाओं को छूट दी जाती है, किसको छूट दी जाएगी ऑप्शंस में, सही उत्तर है बी इट्स ओन स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ के लिए छूट होगी, एग्जेम्प्टेड होंगे सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाई डैश आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब डैश द्वारा यात्रियों के परिवहन को जीएसटी से छूट दी गई है, किस में यात्रा करने पर, ए रेलवे इन फर्स्ट क्लास, बी रेलवे इन एन एयर कंडीशनड कोच, सी मेट्रो, डी ऑल ऑफ द अबो। तो सही उत्तर है इसका सी मेट्रो, मेट्रो पर जीएसटी अभी लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस, फॉरवर्ड चार्ज के मामले में माल की आपूर्ति का समय क्या है, ऑप्शन है ए डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बी ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, सी डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंसीडरेशन बाय द सप्लायर, डी अर्लियर ऑफ ए एंड बी। कौन सा उत्तर सही है, डी सही है, ए और बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो भी पहले होगा इनमें से, डेट ऑफ इश्यू जो बिल इश्यू होता है वो, या ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो भी पहले होगा वो सही होगा, उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेंगे माल की आपूर्ति के समय। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, डिटरमाइन द टैक्स ऑफ सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इन केस सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, फर्स्ट डेट ऑफ रिमूवल 1st अक्टूबर 2019, फर्स्ट डेट ऑफ रिमूवल 1st अक्टूबर 2019, सेकेंड डेट ऑफ इनवॉइस 2nd अक्टूबर 2019, थर्ड डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट 3rd अक्टूबर 2019, फोर्थ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 15th नवंबर 2019। मतलब है श्रीमान ए ने श्री बी को बेचा माल सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार टैक्स ऑन सर्विसेज निर्धारित करें यदि आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल है, तो कब, कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शन हमारे हैं ए 1st अक्टूबर 2019, बी 2nd अक्टूबर 2019, सी 3rd अक्टूबर 2019, डी 15th नवंबर 2019। तो क्या होगा सही उत्तर, ए 1st अक्टूबर 2019 को लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 19, टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड बाई डैश ऑन सप्लाईज मेड बाई हिम, मतलब उसके द्वारा की गई आपूर्ति पर कर चालान डैश द्वारा जारी किया जाना चाहिए, ऑप्शन है ए एवरी सप्लायर, बी एवरी टैक्सेबल पर्सन,
सी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम डी ऑल द अबव देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर यस यू आर करेक्ट सी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम तो ये सही उत्तर होगा सी और टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस द इनवॉइस शैल बी इश्यूड मींस जहां बिक्री या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजा या लिया जा रहा माल हटा दिया जाता है आपूर्ति होने से पहले चालान जारी किया जाएगा ऑप्शन है ए बिफोर ऑब्लिक एट द टाइम ऑफ सप्लाई बी सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल सी अर्लियर ऑफ ए एंड बी डी नन ऑफ द अबव तो क्या उत्तर सही होगा सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर यस यू आर वेरी मच राइट सी अर्लियर ऑफ ए एंड बी ए और बी में जो भी पहले होगा उस पर निर्धारित किया जाएगा इनवॉइस इश्यू होगी तो इस तरीके से सो डियर फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस ऑन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इफ यू वांट मोर वीडियोस प्लीज गो टू चैनल प्लेलिस्ट एंड वॉच कंप्लीट वीडियोस फॉर योर प्रिपरेशन प्लीज लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल Thanks for watching.